नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। आज मैं आपको हठयोग के बारे में बताऊंगा कि हठयोग का क्या अर्थ है, हठयोग की क्या परिभाषा है, और हठयोग के जो मुख्य ग्रंथ हैं उनके बारे में मैं आपको उनमें से एक ग्रंथ के बारे में आपको मैं उसका सामान्य जो परिचय है वो बताऊँगा। सबसे पहले हमको कि हठयोग किसको कहा जाता है। हठयोग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ह और ठ। ह का अर्थ है यहाँ पर हकार, अर्थात सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी, दायां स्वर जिसको हम कहते हैं, ठीक। दूसरा आता है ठकार, ठकार का अर्थ है, ठ का अर्थ है ठकार, ठकार का अर्थ होता है चंद्र नाड़ी या इला नाड़ी, बायां स्वर जिसको हम कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हठयोग का अर्थ हो जाता है हकार सूर्य तथा ठकार अर्थात चंद्रमा का जो मिलन होता है उसी को यहाँ पर क्या कहा जाता है, हठयोग की संज्ञा दी जाती है। किस चीज़ की संज्ञा दी जाती है, हठयोग की संज्ञा दी जाती है। हमारी जो नासिका है उसके दो छिद्र होते हैं, ठीक, दो छिद्र होते हैं जिसे हम स्वर कहते हैं, जिसको स्वर कहा जाता है। दायां जो स्वर है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और जो बायां स्वर है वो चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, तथा एक बार में इन दोनों में से एक ही स्वर एक बार में चलता है। जब हम एकाग्र होकर शांत या जागृत अवस्था में जागृत होकर बैठते हैं तो हम इसका अनुभव करते हैं, हमें इसका अनुभव होता है, एक बार में एक ही स्वर चलता है। कुछ समय के लिए जब ये दोनों स्वर एक साथ चलते हैं, जब सुषुम्ना में प्राण चलता है या जब एक स्वर दूसरे स्वर में बदल रहा होता है उस समय यह एक साथ चलते हैं, तब हम कह सकते हैं कि जो हकार है अर्थात जो सूर्य है, जो ठकार है जिसको हम चंद्र कहते हैं, इन दोनों के मिलन को ही हठयोग कहा जाता है। जब दोनों स्वर का मिलन होता है या एक साथ चलते हैं उस समय हमारी जो प्राण शक्ति है वह सुषुम्ना में प्रवेश या प्रवाहित होने लगती है, उस एक प्रक्रिया या विधि को हठयोग की संज्ञा दी जाती है। अब हठयोग की जो परिभाषाएं हैं वो विभिन्न हठयोग के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से परिभाषाओं को दिया गया है। जैसे एक हठयोग का एक ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसके अनुसार हठयोग को कहा गया हकार अर्थात सूर्य तथा ठकार अर्थात चंद्र नाड़ी के योग को हठयोग कहते हैं। उसी प्रकार योग शिखो उपनिषद के अनुसार हकार और ठकार के संयोग को हठयोग कहा जाता है। योग शिखो उपनिषद में एक और परिभाषा आई जिसको कहा गया अपान वो प्राण के जो मिलन है उसको हठयोग कहा जाता है। फिर एक परिभाषा और आई योग शिखो उपनिषद के अनुसार ही बताई जाती है कि सूर्य और चंद्र का मिलन ही हठयोग है और शिव और शक्ति का मिलन ही हठयोग है। ये सारी हठयोग की परिभाषाएं हो जाती हैं। अब हठयोग के कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनमें से ये जो मुख्य ग्रंथ हैं उनका वर्णन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जिसमें है हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घिरंड संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, योग बीज, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता। ये सब क्या हैं, हठयोग के ग्रंथ हैं। इसमें हठयोग के माध्यम से जो परम पद है उसको प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ये जो हठयोग के इतने ग्रंथ अलग अलग ऋषियों द्वारा ये बताए गए हैं। इन मार्गों का जो हठयोग के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी जो मार्ग हैं, चाहे वो हठयोग के ही कोई मार्ग हो, चाहे वो किसी अन्य योग का मार्ग है, जितनी भी पद्धतियां हैं हठयोग की पद्धति हो या चाहे किसी अन्य योग की जो हमारा क्रिया योग है, अष्टांग योग है, मंत्र योग है, लय योग है, ये सब जो पद्धतियां हैं उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए ये सब एक साधन हैं, एक मार्ग हैं, एक पद्धतियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, चाहे वो हठयोग के माध्यम से हम कर सकते हैं, चाहे हम मंत्र योग के माध्यम से कर सकते हैं, चाहे हम ज्ञान योग के माध्यम से कर सकते हैं, कर्म योग के माध्यम से कर सकते हैं। उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए या
उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए ये सारे मार्ग बताए गए हैं। उसी में से जो हठयोग के का जो ये ग्रंथ है उनमें जो अलग अलग ऋषि हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से, जैसे हट प्रदीपिका है, हठ रत्नावली है, गिरण संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, या योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, या शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, इन्होंने अपने अपने साधना पद्धतियाँ इसमें बताई हैं। अब जो इन जो हाँ योग के जो मार्ग हैं इनका जो चयन है, जो व्यक्ति है, ये जो साधक है, वो अपने संस्कारों के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, या अपनी प्रकृति के अनुसार, या अपनी प्रकृति के कारण इन मार्गों का चयन करता है कि उसने हठयोग का हठयोग के माध्यम से साधना करनी है या किसी अन्य योग के माध्यम से उसको साधना करनी है। अब यहाँ पर हमारा एक सबसे पहला जो ग्रंथ है हठ प्रदीपिका, उसका यहाँ पर हल्का सा सामान्य परिचय, हठ प्रदीपिका का सामान्य परिचय मैं दे रहा हूँ आपको, कि सबसे पहले कि हठ प्रदीपिका का सामान्य परिचय में कि हठ प्रदीपिका जो ग्रंथ है वो लगभग 15वीं शताब्दी का ग्रंथ के आसपास का जो है ग्रंथ है, और यह ग्रंथ स्वात्माराम जी द्वारा कृत है। इस ग्रंथ में 4 अध्याय हैं जिन्हें उपदेश इसमें कहा गया है। प्रथम उपदेश को आसन कहा गया है। इस उपदेश में 67 श्लोकों का वर्णन किया गया है, तथा जो द्वितीय उपदेश है उसको कुंभक कहा गया है, जिसमें 78 श्लोकों का वर्णन है। तृतीय उपदेश जिसे मुद्रा बंद कहा गया है, इसमें 126 श्लोकों का वर्णन किया गया है, तथा जो चतुर्थ उपदेश है जिसे नादानुसंधान कहा गया है, और इस उपदेश में 114 श्लोकों का वर्णन स्वात्माराम जी द्वारा किया गया है। टोटल इसमें 4 अध्यायों का वर्णन या 4 उपदेशों का वर्णन है। अब हठ प्रदीपिका का जो ग्रंथ है वो उसका जो शुरुआत है, जो आरंभ जो किया गया है वो आदिनाथ शिव को नमस्कार कर या प्रणाम कर किया गया है, क्योंकि जो हठ योग के जो आदि वक्ता कहे जाते हैं वो आदिनाथ शिव को माना जाता है। तो यहाँ पर स्वात्माराम जी ने कहा है कि बोला है कि केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए ही स्वात्माराम जी ने यह हठयोग साधना का उपदेश किया है, और मच्छेंद्रनाथ या गोरक्षनाथ आदि गुरुओं की कृपा से ही महर्षि स्वात्माराम हैं, इन्होंने हठयोग को जाना और उसी के अनुसार इन्होंने इसका वर्णन किया है। सभी प्रकार के दुखों के से जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए तो ये हठयोग जो है वो एक आश्रय मठ बताया गया है। जो सभी प्रकार के रोगी हैं उनके लिए तो ये क्या बताया गया, एक आश्रय मठ बताया गया है। जो अन्य प्रकार के जो हमारे साधक हैं, साधकों के लिए ये एक आधारभूत कच्छप के समान इसमें इन्होंने बताया कि आधारभूत कच्छप के समान ही यह है। अब सबसे पहले इस ग्रंथ में स्वात्माराम जी ने स्थान की विशेषता की गई है। इसमें स्थान बताया गया है कि स्थान कैसा होना चाहिए। नंबर एक पर उन्होंने बताया कि सुराज्य होना चाहिए, एक अच्छा राज्य होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि धार्मिक होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि सुभिक्षु होना चाहिए, जहां पर जो साधक है अच्छी प्रकार से भिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन यापन कर सके। चौथा उन्होंने बताया कि निउपद्रव होना चाहिए, जहां उपद्रव से रहित होना चाहिए। स्थान क्या होना चाहिए, उपद्रवों से रहित होना चाहिए, जहां किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े या उपद्रव ना हो, ऐसा स्थान होना चाहिए। ऐसे स्थान पर साधक को क्या करना चाहिए, कुटिया बनाकर इसका अभ्यास करना चाहिए। अब साधक इन्होंने साधना मार्ग में, जो साधक जब साधना करता है तो कुछ बाधाएं उसके मार्ग में उत्पन्न होती हैं, उन बाधाओं को बाधक तत्व इसमें कहा गया। हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने 6 बाधक तत्वों का वर्णन किया है। नंबर एक पर आता है अत्याहार, मतलब जो अत्यधिक भोजन करता है। अत्यधिक भोजन करने से क्या होता है, साधना मार्ग में विघ्न होता है। तो दूसरा उन्होंने क्या, प्रयास। प्रयास का मतलब अधिक श्रम कर लेना। अधिक श्रम से क्या, शारीरिक थकावट शरीर में उत्पन्न होती है, जिससे वो साधना मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरे नंबर पर प्रज्वलन बोला कि आवश्यकता से अधिक बोलना भी साधना मार्ग में क्या होता है, बाधा उत्पन्न करता है। नियमाग्रह, नियम का पालन न करना, उससे भी शायद साधना मार्ग में विघ्न पैदा होती है। फिर होगा जनसंघ, मतलब लोगों के अधिक संपर्क में रहना भी साधना के लिए बाधक तत्व है। फिर लास्ट से 6 नंबर पे इन्होंने बताया लौल्य, मतलब मन की जो चंचलता है वो भी साधना मार्ग में विघ्न का कार्य करती है। फिर उन्होंने 6 साधक तत्वों के बारे में भी इसमें बताया कि हठ प्रक्रिया में 6 ही जो हैं वो साधक तत्व हैं, उनका वर्णन किया कि साधक के पास उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए,
और धैर्य की बात कहेगी, धैर्यवान होना चाहिए, तत्व का ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान की बात कहेगी, संकल्प की बात कहेगी है, और जनसंघ परित्याग की बात कही है, जो जनसंघ है उसका त्याग करना चाहिए साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। फिर अगला जो इसमें प्रथम उपदेश शुरू हो जाता है हठ प्रदीपिका का, जो प्रथम उपदेश है उसको आसन कहा गया। इसमें 15 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है, जिसमें स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, कुटकुट आसन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मशेंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूर आसन, सव आसन, सिद्ध आसन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इस प्रकार से 15 प्रकार के आसनों का वर्णन स्वात्मारायण जी ने द्वारा इसमें किया गया है। फिर आसनों के बाद इन्होंने मिताहार की बात कही है कि मिताहार कैसा होना चाहिए, जो साधक का है जो आहार कैसा होना चाहिए उसकी बात कही गई है। फिर जो पथ्य आहार है, जो उसके साधक को जो कैसा आहार खाना चाहिए उस आहार की बात कही गई है। फिर अपत्य आहार की साधक को कैसा आहार नहीं करना चाहिए उस आहार की बात कही गई है। उसके बाद कुंभक करने के जो चार समय बताए गए हैं, किस प्रकार से वो किस किस समय पर वो अभ्यास जो कुंभक है उनका अभ्यास कर सकता है, वो समय बताया गया है। नंबर एक में प्रातःकाल बताया, फिर मध्याह्न, फिर सायं और फिर अर्धरात्रि को वो कुंभकों का अभ्यास साधक कर सकता है। स्थूल और जो इसके शरीर में स्थूलता है या मेद है, कफ है आदि की अधिकता इसके शरीर में है जिस साधक के, उसके लिए उन्होंने इसमें 6 प्रमुख षटकर्मों का अभ्यास बताया है, जिसके अंतर्गत धोती क्रिया, वस्ती क्रिया, नेति क्रिया, त्राटक क्रिया, नौली क्रिया और कपालभाति क्रिया का वर्णन इसमें किया गया है, जिसके माध्यम से वो अपनी स्थूलता को, शरीर की स्थूलता या कफ को कम कर सकता है, जिससे फिर वो प्राणायाम के लिए आगे तैयार हो सकता है साधक। अब हठ प्रदीपिका में 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन किया गया है। 8 प्रकार के कुंभकों में सबसे पहले सूर्यवेदन प्राणायाम या सूर्यवेदी कुंभक, उज्जायी कुंभक, शीतकारी कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, मूर्छा कुंभक और प्लावनी कुंभक। इस प्रकार से 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन द्वितीय उपदेश में किया गया है। फिर तृतीय उपदेश में इसमें क्या कहा, तृतीय उपदेश में 10 मुद्रा बंधु का वर्णन किया गया है। इस मुद्रा और बंधु के प्रकरण में मुख्य जो 10 उन्होंने मुद्राएं ली हैं, जिनको मुद्रा बंध कहा गया है इस अध्याय का नाम, इस उपदेश का नाम, इसमें महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उडियान, मूलबंध, जालंधरबंध, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालन, इस प्रकार से 10 मुद्राओं का वर्णन तृतीय उपदेश में किया गया है। चतुर्थ उपदेश में इसमें नादानुसंधान की बात कही गई है, नादानुसंधान की जो अवस्थाएं हैं उनकी बात कही गई है। आरंभ अवस्था में जब प्राण साधक का जो सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट करता है, तो सबसे पहले वो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है। फिर जब प्राण जब आगे अग्रसर होता है, धीरे आगे बढ़ता है, तो वो विष्णु ग्रंथि का भेदन कर आपका निष्पत्ति अवस्था में वो भूमध्य आकाश में वह प्राण पहुंचता है। और लास्ट में अंतिम जो अवस्था होती है निष्पत्ति अवस्था में, वह प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन कर और ब्रह्म रंध्र पर वह प्राण पहुंचता है, जहां से साधक को परम गति प्राप्त होती है या मोक्ष पद प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह हठ प्रदीपिका का एक सामान्य परिचय यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, या मेरे द्वारा बताया गया ये हठ योग का एक सामान्य परिचय है। इसी प्रकार से हम आगे के अध्यायों में ग्रहण संहिता का सामान्य परिचय और उनके अंदर के कंटेंट को पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।